सादा भिंडा है। सादा भिंडा है, क्या बात है। ये बैंगन भरता है। क्या बात है, बैंगन का भरता है। ये आलू, क्या बात है, वैसा वाले आलू। सेव टमाटर, ये गुजराती दाल। क्या बात है, ये कढ़ी। बटरस्कॉच हलवा है। क्या बात है, शाम को होता है खिचड़ी कढ़ी। ओ भाई साहब, कितनी सारी फ्रेम्स, क्या बात है। तो फंक्शन में क्या आज? फंक्शन में पालक ढोकला है। पालक ढोकला है, क्या बात है भाई। ये स्वीट में गुलाब जामुन है। क्या बात है, 3, 4, 5, 6 और ये भैया जी हमारे 7। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साथ 7 लोग रोटियां बना रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि यहाँ पे हर रोज की कितनी रोटियां बनती होगी और कितनी गुजराती थाली निकलती होगी। क्या बात है भाई साहब, इतना बड़ा किचन तो मैं मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। आज हम आपको दिखाने वाले जूनागढ़ शहर की पिछले 4 साल से लगातार बेस्ट गुजराती थाली का अवार्ड जीतने वाली द ग्रांड पटेल की गुजराती थाली। सो आइए चलते और देखते कि ये ग्रांड पटेल की गुजराती थाली में क्या क्या चीजें रहती है। ये कौन सी सब्जी है? ये सादा भिंडा है। सादा भिंडा है, क्या बात है। ये कौन सी सब्जी है? ये बैंगन भरता है। क्या बात है, बैंगन का भरता है। इसमें ये आलू, क्या बात है, वैसा वाले आलू। तो यहाँ पे कुल मिला के सब्जी में कितने ऑप्शन मिलते हैं हमें? चार सब्जी होते हैं, थाली में 3 आता है। ये कौन सी सब्जी है? ये सेव टमाटर है। सेव टमाटर की सब्जी है, गुजराती दाल। क्या बात है, और साथ में कढ़ी, दाल कढ़ी दोनों रहता है। दाल कढ़ी, क्या बात है। और यहाँ पे डिनर की प्राइस क्या है? क्या बात है, तीन सब्जी आती है, उससे में सेव टमाटर आते हैं, बाजरे का रोटा, भाकरी, चपाती, दाल, राइस, कढ़ी, खिचड़ी, दाल पापड़। और स्वीट में क्या है? स्वीट में आज बटर स्कॉच हलवा है। क्या बात है, कभी बटर स्कॉच होता है, कभी पंद्रह सौ होता है, 5 किलो। मेनू भी चेंज होता रहता है हर रोज। और परेशान में क्या बात है, शाम को होता है खिचड़ी कढ़ी, दोपहर को होता है रोटी खिचड़ी दाल राइस दोनों। और इंडियन चपाती में दोपहर को रोटी और पूरी होते हैं, डिनर में पूरी निकल जाती है, बाजरे का रोटा और भाकरी। क्या बात है, और सब चीज अनलिमिटेड रहती है। क्या बात है भाई। ओ भाई साहब, कितनी सारी फ्रेम्स, क्या बात है। और इसमें क्या है? क्या बात है, स्टीम राइस है, अलग ढोकड़ा है। क्या बात है भाई, पर्सन भी आपका एकदम यूनिक है। तो दोस्तों यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो एक साथ कितने सारे लोग रोटी बना रहे, जैसे कि आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भैया जी बैठे 7। तो भैया जी आप यहाँ पे क्या करते हो? रोटी में घी लगाते हो, क्या बात है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक साथ 7 लोग सिर्फ और सिर्फ रोटियां बना रहे। सो आप लोग गेस कर सकते हो यहाँ पे दिन भर की कितनी रोटी बनती होगी। सो भैया जी यहाँ पे भरोस की कितनी रोटियां बना लेते हो? डेली की मिनिमम मेरे 3,500 या 3,000 के बाद होगा। क्या बात है, हर रोज की 3,000 प्लस तो हो ही जाती है। तो अगर वीकेंड हो, फेस्टिवल हो, तो इससे भी ज्यादा होगी। क्या बात है भाई साहब, देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ का किचन जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे फ्रेश फ्रेश रोटियां बन रही है। ये स्वीट में गुलाब जामुन है। क्या बात है, वाओ, वंडरफुल। गरम लाइव देते हैं, गरम गरम लाइव देते हो, क्या बात है। तो दोस्तों ये है द ग्रांड पटेल का किचन, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। यहाँ पे सभी जो चीज़ है वो एकदम परफेक्ट तरीके से रखी गई है और यहाँ पे हर रोज की 400 से 500 लोग की रसोईयां बनती है। ये जो पूरा किचन है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो भैया जी आपका जो किचन है सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? सर 11 बजे स्टार्ट हो जाता है। और रात को? क्या बात है, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक इसी तरह रोटियां बनती रहती है और बस बनती ही रहती है। हमारी ये 5 साल पुराना है, हमारे ये दूसरी ब्रांच के बस स्टेशन के सामने वो 15 साल पुराना है। क्या बात है, वहाँ से गुजराती मिलता है, यहाँ गुजराती, पंजाबी, चाइनीज, स्पेशल बाहुबली थाली, ये सब यहाँ अवेलेबल है। क्या बात है, तो जैसे कि जूनागढ़ की जो बाहुबली थाली वो यहीं पे मिलती है? बाहुबली थाली यहीं पे मिलते हैं, और कोई जगह पे जूनागढ़ में बाहुबली नहीं मिलती। क्या बात है, ये गुजराती जो रसथाल बोलते हैं वो स्वीट परसन के साथ अनलिमिटेड आता है, और जूनागढ़ में कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो उसके जुबान पे एक ही नाम होता है, द ग्रांड पटेल। क्या बात है भाई साहब, मानना पड़ेगा। और यहाँ पे गुजरात थाली में आज क्या क्या है? आज गुजराती थाली में सादा भिंडा है, बैंगन भरता है, आलू की सब्जी है, सेव टमाटर है, फिर बाजरी का रोटला, चपाती, भाखरी, दाल राइस, कढ़ी खिचड़ी, बटर मिल्क पापड़, फ्रेंच परसन और स्वीट, सब अनलिमिटेड रहता है। सब अनलिमिटेड 190 में रहता है। क्या बात है, विदाउट स्वीट 150 अनलिमिटेड। और यहाँ पे सब्जी कुल मिला के कितनी रहती है? 4 सब्जी होती है, 3 थाली में आती है, 1 ऑप्शन में। क्या बात है, और मेनू हर रोज चेंज होता है? दोपहर को लंच में भी अलग होता है और डिनर में भी अलग। क्या बात है, लंच और डिनर दोनों में अलग होता है? दोनों में अलग। ये बैंगन का भरता है, आलू की सब्जी है, रसा आलू,
सादा भिंडा है, एक गुजराती दाल है, दाल और कढ़ी, तवा रोटी है। तो यहाँ पे ब्रेड में कितने ऑप्शन मिलते हैं हमें? तीन ऑप्शन मिलते हैं, रोटली, रोटला और भाखरी। क्या बात है, बाजरी का रोटला, ये फरसान है, पालक ढोकला। क्या बात है, फरसान में आज पालक के ढोकड़े। क्या बात है, एकदम डिफरेंट लेवल। स्वीट में बटर स्कॉच हलवा। क्या बात है भाई साहब, स्वीट में यहाँ पे बटर स्कॉच हलवा। अब ये इसमें आ गई ठंडी ठंडी छाछ। क्या बात है, टमाटर की सब्जी, बैंगन का भरता, भिंडी की सब्जी, साथ में है रसा वाला बटे का। क्या बात है भाई साहब, उसके साथ मिलती है कढ़ी खिचड़ी, उसके साथ मिलते हैं दाल और चावल, और इनके जो फ्राई किए हुए मिर्च है उसकी कुछ अलग ही बात है भाई। और ब्रेड में हमें 3 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, रोटली, रोटला और भाखरी। स्वीट में यहाँ पे आज बटर स्कॉच हलवा, फरसान में है पालक के ढोकड़े। क्या बात है भाई, ये चीज़ कुछ नहीं है। और सलाद में हमें 2 डिफरेंट टाइप के सलाद मिलते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के अचार मिलते हैं, और 2 डिफरेंट टाइप की चटनियाँ भी मिलती है। क्या बात है भाई, दोस्तों ऐसा कुछ है इनका सेटअप। सो दोस्तों ये गुजराती थाली की प्राइस है 150 रुपये, और अगर आप स्वीट और फरसान के साथ लोगे तो ये आपको पड़ेगी 190 रुपये में। क्या बात है भाई, स्वीट और फरसान दोनों अनलिमिटेड मिलता है हमें। सो हमने यहाँ से ली है स्वीट और फरसान वाली थाली, जो हमें पड़ती है 190 रुपये में। सब्जी का टेस्ट कैसा लगा? एकदम परफेक्ट। क्या बात है भाई, सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई? मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। सेव टमाटर की? सेव टमाटर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और साथ में ये मिर्ची जो मिलती है यहाँ पे स्टफ की हुई वो मुझे बहुत पसंद है। आपके फेवरेट है ऑल टाइम? क्या बात है भाई, मैंने पालक का टुकड़ा टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है टेस्ट। दोस्तों मुझे यहाँ की एक बात बहुत पसंद है, यहाँ पे चाहे स्वीट हो, फरसान हो या सब्जी हो, मेनू हर रोज चेंज होता है और सुबह शाम भी चेंज होता रहता है। और स्वीट में यहाँ पे बटर स्कॉच हलवा दिया गया है जो मुझे बहुत ही पसंद है। भाई जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका जो रेस्टोरेंट है वो जूनागढ़ शहर में पिछले 4 साल से लगातार बेस्ट गुजरात थाली का अवार्ड जीतता आ रहा है, तो उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट इसमें कुछ नहीं है, सब कस्टमर को हम दिल से खिलाते हैं, कस्टमर को पसंद आते हैं, वो खाना को प्रसाद समझ के प्रसाद का भाव हो जाते हैं, हम दिल से खिलाते हैं, वही है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं है। क्या बात है भाई, आप लोग दिल से खिलाते हो इसीलिए लोगों को तो पसंद आने ही वाला है। 100% सही बात है भाई, दिल से खिलाते हैं तो उसको पसंद आएगा। सही है, मानना पड़ेगा भाई। ये जो पूरी गुजराती थाली है वो अनलिमिटेड है, जितना मन चाहे उतना खा लो, पर भाई साहब फूड जो है वो वेस्ट मत करना। अगर आप भी हमारी तरह जूनागढ़ की अवार्ड विनिंग गुजराती थाली खाना चाहते हो तो ये जो जगह वो आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ का एड्रेस है? हमारा एड्रेस है जूनागढ़ के सामने, ग्राउंड फ्लोर द ग्रैंड पटेल। ओके भाई, थैंक यू।